रामनगर में होने वाले 3 दिवसीय G20 सम्मेलन को देखते हुए जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार बैठक की जा रही है। वहीं उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन ने यहां सड़कों के सौंदर्यीकरण को देखते हुए इस सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान रामपुर नैनीताल रोड स्थित मछली बाजार के पास से SSP मंजुनाथ TC के नेतृत्व में पुलिस टीम ने झुग्गी झोपड़ी में रह रही 30 परिवारों को हटाने का काम किया। कार्यवाही के दौरान टीम ने 5 वाहनों को भी सीज किया। इस दौरान SSP मंजुनाथ TS ने बताया कि 28 मार्च से 30 मार्च तक रामनगर में G20 सम्मेलन होना है। इसी को देखते हुए पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक जहां जहां भी अतिक्रमण है सभी को हटाया जा रहा है और सड़कों के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बच्चा अपने परिजनों से बिछड़ गया, जिसके बाद SSP मंजुनाथ TC ने बच्चे को गोद में उठाकर पुलिसकर्मियों और उसके परिजनों को ढूंढने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने बच्चे को ढूंढकर परिजनों को सौंप दिया। रिपोर्ट मुकेश मंडल की। तो हमने ये देखा कि ये व्यापक जगह पे मतलब एक बहुत ही बड़ा जगह है जो दो सरकारी विभागों के बीच में मसला चल रहा है, परंतु ये सरकारी जगह है, सरकारी संपत्ति है। 500 हजार करोड़ कीमत होगा ये जगह, बहुत ही महंगा जमीन है, प्राइम प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि बहुत सारे बाहर के लोग आके रह रहे हैं, बाहर के लोग आके बिना सत्यापन का, बिना कोई कागज का सरकारी भूमि पर कब्जा करके विभिन्न गतिविधियों में शामिल है करके, कुछ तो झुग्गी झोपड़ी डाले हुए हैं कि क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं कुछ नहीं पता था। आज हमने व्यापक सत्यापन अभियान चलाया, पर हमने देखा कि किसी के पास कागज़ ही नहीं है, किसी के पास कागज़ नहीं है, भूमि का तो है ही नहीं कागज़ और उनका खुद का कागज़ भी नहीं है, तो सत्यापन कराने को बोल दिया है, पर सत्यापन नहीं कराना चाह रहे हैं, वो अपने आप जा रहे हैं, वो अपना कहीं